करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं। कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ। ये हेट स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम स्पीच है। हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी, आप पर कृष्ण की कृपा होगी। उनके तो एक नहीं अनेक हैं, वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सब इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का काम करें। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। मैंने कोई बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बहुत दिन चलेगा नहीं ये, उन सब का सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। ये हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है। तो चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी ने वीर सारे देश ने देखा, जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ। पाकिस्तान के कबाइलियों ने जब कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की, भारत की सेना असहाय, ना राशन है, ना गोला, ना बारूद, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया। और उनकी वो उत्कट राष्ट्रभक्ति के कारण हम कश्मीर को बचा के रख सके। जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवाओं को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? ये धर्म युद्ध प्रारंभ हो चुका है। हरिद्वार की धर्म संसद में 17, 18 और 19 को महापुरुषों ने किया है, तो इनको जितनी बार भी वंदन और अभिनंदन किया जाए वह कम है। उसमें हम सब है, ध्यान रखिए, इतिहास गवाह है, कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्होंने सत्ता और अपने लालच में अपने बाप के पीठ पे छुरा होगा सत्ता हासिल की है। ध्यान रखिएगा, कुछ कौमें ऐसी हैं जहाँ बहन बेटियों का बख्शा नहीं जाता।
आप भी है और आपकी सुरक्षा भी हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था की और जो अपराधियों को सजा दी जाती है उसके बारे में, जो व्यवस्था विकसित हुई है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अभी कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें जो जामिया में हिंसा हुई थी 2019 में, उसमें शर्जिल इमाम, शफूरा जरगर और आसिफ इकबाल, इनको छोड़ दिया गया। और साथ ही साथ कोर्ट ने एक बहुत रोचक कमेंट कही थी, उन्होंने कहा इन्हें उस हिंसा के मामले में दोषी करार करके बलि का बकरा, स्केपगोट्स बनाया गया। टिप्पणी की गई है उसका हम सब लोग वेलकम करते हैं और कोर्ट ने आज ये कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है और इसको ऑब्जर्व करते हुए कि जो डेमोक्रेसी है वो सारी बातें इन्होंने कही कि एक डेमोक्रेसी तभी हेल्दी और वाइब्रेंट हो सकती है जब उसमें प्रोटेस्ट हो या उसको अगर लोग एक सेकेंड कोर्ट ने डिसेंट को लेकर क्या टिप्पणी की है? आज कोर्ट ने ये कहा कि रेफरेंस देते हुए चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स को और उनके ऑब्जर्वेशंस को, ये कहा गया है कि एक डेमोक्रेसी तभी हेल्दी और वाइब्रेंट हो सकती है जब उसमें डिसेंट हो। और इस केस में पूरा केस हमारा यही था कि हमने जो भी पार्टिसिपेट किया इफ़ एट ऑल प्रोटेस्ट में, वो पीसफुल प्रोटेस्ट था। उस वायलेंस से या फिर जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ उससे किसी भी अक्यूज्ड पर्सन कोई लेना देना नहीं था, स्पेशली शर्जील इमाम, यानी इनका उस हिंसा से कोई संबंध नहीं था। तो किसी को तो पकड़ना था तो इनको पकड़कर बलि के बकरे के रूप में इनको सजा दी गई। अब ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इसी में अगर हम देखें तो दिल्ली हिंसा के पहले एक तरफ हमने देखा था अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने गोली मारो के नारे दिए और उनका तो खैर प्रमोशन हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उससे वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। दूसरी तरफ उसी समय उमर खालिद और उनके साथियों ने शांति की बात की, अहिंसा की बात की और वो लोग 3 साल से जेल में सड़ रहे। 20 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान को हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। और इसी के पहले मैं एक और घटना की याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपको याद है तो कोरोना के जब महामारी शुरू हुई थी, तो कोरोना महामारी शुरू हुई थी उस समय पहले डोनाल्ड ट्रंप आए अहमदाबाद में, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ, कनिका कपूर नाम की एक सिंगर आई, उन्होंने बहुत जगह कार्यक्रम दिए, एक सिख ग्रंथी आए, उन्होंने भी बहुत जगह कार्यक्रम किए। इसमें बहुत लोगों का जमावड़ा हुआ, जो कहा जाता है कि कोरोना के प्रसार के लिए जिसका जो कारण बनता है, ऐसे बहुत हुआ। और उसी के साथ साथ एक पता चला मीडिया को कि तबलीगी जमात, ये मरकज दिल्ली में एक इनका कॉन्क्लेव चल रहा था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स भी आए हुए थे, जब मीडिया को उनका पता चला कि इनका कॉन्क्लेव चल रहा है तो उन्होंने तुरंत इनके ऊपर एक दोषारोपण कर दिया कि ये कोरोना जिहाद के लिए जमा हुए हैं, ये कोरोना बॉम्ब बना रहे हैं।
के खिलाफ चल रही जंग के दौरान जलसे के रूप में की गई तबलीगी जमात की एक गलती पूरे देश पर भारी पड़ती दिख रही है। और उसमें से कई लोगों को जो विदेशी थे उन पर भी केस चले, अरेस्ट हुआ और बाद भी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बड़े रोचक तरीके से यही ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया कि इन लोगों को भी कोरोना के मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। अब जहां तक इस प्रकार के जो जिनको अपराधी बनाया जाता है, ज्यादातर एक तीसरी घटना भी बता दूं, 2006 और 2008 के बीच में बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को मक्का मस्जिद हैदराबाद, मालेगांव और अजमेर ब्लास्ट के बाद अरेस्ट किया गया और उसके बाद ज़्यादातर इन लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि ये बेबुनियाद तरीके से इनको अरेस्ट किया गया था। So as the CBI and the police change their own version of events, which account should we believe? And the larger question, were those young men in Hyderabad then in a sense racially profiled or profiled on the basis of their religion or was there good reason for the police to round them up? Let's get... और इसके बाद भी इसी के साथ अनद नाम के मानव अधिकार संगठन ने हैदराबाद में एक मीटिंग किया, ट्राइब्यूनल किया और उस ट्राइब्यूनल का रिपोर्ट भी आया था स्केपगोट्स एंड द होली काउज, यानी बलि के बकरे और पवित्र गाय, यानी जिन लोगों को पकड़ा जाता है वो किसी सोच के तहत पकड़ा जाता है, जो असली अपराधी हैं जिन पे मुकदमे चलने चाहिए उन पर ज्यादातर कार्यवाही नहीं होती। इसी का मैं एक और उदाहरण देता हूँ, उसका दूसरा पक्ष, जहाँ हम इन बलि के बकरों को देख रहे हैं जिनको पकड़ा जाता है, अपराध सिद्ध नहीं होता, ज्यादातर पुलिस उन पे UAPA टाइप संगीन आरोप दर्ज कर देती है ताकि इनको आसानी से बेल न मिले और बाद में पूरा सब करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है इस प्रकार के कमेंट के साथ। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ जैसे मैंने अनुराग ठाकुर का उदाहरण दिया, ऐसे ही दिल्ली में 5 फरवरी को एक संत समागम, संत सभा हुई, उसमें कई लोगों ने बहुत नफरतपूर्ण बयान दिए मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया और उसमें सूरज पाल अमू जो बीजेपी पार्टी के एक राज्य के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी इसी प्रकार का कॉल दिया और उसमें कई साधु महात्मा भगवे कपड़े पहनकर हिंसा की भड़काने की बात करते हैं, शस्त्र जमा करने की बात करते हैं और मुसलमान और क्रिश्चियंस के खिलाफ इनके उपयोग करने की बात करते हैं। अभी 5 फरवरी के पहले महाराष्ट्र में हिंदू समागम के द्वारा 20 रैलियां की गई और वो रैलियों में नफरत के भड़काऊ भाषण दिए गए। अरे धर्म छोड़ कर जाओगी, टुकड़ा मार जाओगी, अवध मस्जिद कब्रस्तान, यही निशा, अवध मस्जिद कब्रस्तान, यही निशा, हिंदू का बस एक ही डिमांड होना चाहिए कि कानून बने, नहीं तो हमें आता है कानून बनाना। आप ठोके जब हमें भी ठोकना आता है, आने वाला समय संघर्ष का समय है, युद्ध का समय है, हर हिंदू को संगठित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने उस समय एक, क्योंकि ये लोग 6 फरवरी को बंबई में बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले थे, तो कोर्ट ने कहा कि पुलिस को पूरा अधिकार है कि नफरत हेट स्पीच करने वाले लोगों पर धारा 151 लगाई जाए और उनको उसमें अरेस्ट भी कर सकते हैं और ऐसी मीटिंग्स को के ऊपर एक प्रकार की अवलोकन भी किया जा सकता है ताकि हेट स्पीच ना। अब ये एक मामला है कि हेट स्पीच, नफरत, हिंसा को भड़काना और इस प्रकार के कॉल देना, ये यहाँ पर एक आम बात हो गई है और ज्यादातर इन लोगों पर ज्यादा मुकदमे नहीं चलते। आपको दो और उदाहरण बता दूं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मालेगांव ब्लास्ट के बारे के मामले में अभी बेल पर है, उन्होंने भी घर पर
तेज छुरियां रखने की बात की, लव जिहाद के अपराधियों को उससे डील करने की बात की, और इन्हीं के साथ साथ अभी जो रामदेव हैं, जो पहले योग सिखाते थे बाबा के नाम पे, अभी पतंजलि का व्यापार करते हैं लाला रामदेव के नाम से, और अभी उनका जो इस प्रकार की राजनीति के चलते उन्होंने फिर से इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ बहुत भड़काऊ भाषण भी दिया है। मुसलमान से पूछो थारो धर्म ठीक है, वो कहेगी बस पांच बार नमाज पढ़ो फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदू की छोरी उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुंह से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो, ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर मिले और ठेदारू पीड़ों की मिले। मैं ऐसो ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी देखा, लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। तो अवलोकन क्या है? नफरत की बात करना, हिंसा भड़काना, ये पूरी तौर से अपराध है। पर मेरे अवलोकन में ज्यादातर इन पे कोई मामूली आरोप दर्ज किया जाता है और ज्यादातर सजा नहीं होती, ज्यादातर सजा नहीं होती, किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। हेट स्पीच के बारे में जहां तक मेरी याददाश्त है, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। तो दो प्रकार की चीजें समाज में खड़ी हो गई हैं। एक, अल्पसंख्यक समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर कुछ शांति की बात करते हैं, जैसे सिद्दीक कप्पन जैसे पत्रकार उसी मामले की जांच करने के लिए आते हैं, जहां रेप का केस है लड़की के खिलाफ, उसकी जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, खोज पत्रकारिता के लिए आते हैं, तो दो दो तीन तीन साल तक जेल में रहते हैं, बाद में बेल मिलती है इतने लंबे संघर्ष के बाद। तो आज हम किस परिस्थिति में हैं? एक लोकतंत्र में न्याय होना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, और जो आज हो रहा है उसमें न्याय के उलट जो हो रहा है वो आपके सामने है। कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, सालों साल तक जेल में सड़ाया जाता है, और बाद में बलि के बकरे के रूप में जब कोर्ट फैसला देता है उनको छोड़ा जाता है, और कुछ लोग खुले आम नफरत की बात, हिंसा की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई मामूली चार्ज लगाकर छोड़ दिया जाता है, किसी को अरेस्ट तो किया नहीं जाता। तो दोस्तों, आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें नफरत भड़काना, हिंसा भड़काना, ये एक आम बात हो गई है, और ये इसलिए है जिन बेगुनाह लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है, वो एक सामाजिक अवधारणा के चलते बनाया जाता है। समाज में अवधारणाएं फैलाई गई हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, पुराने जो मुद्दे उठाए गए हैं मंदिर के, गाय के, लव जिहाद के, और इसमें मैं एक और मुद्दा जोड़ दूं, अभी जो 6 फरवरी को रैली की योजना की गई थी उसमें 3 मुद्दे रखे गए थे, एक धर्मांतरण के खिलाफ, दूसरा लव जिहाद के खिलाफ, और तीसरा उसमें कॉल दिया जाने वाला था मुसलमान व्यापारियों का बायकॉट करने का। अब इस प्रकार की चीजें जब चल रही हैं तो ये इसके पीछे जो सामाजिक ताकतें, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस इनको रोकने वाले हैं वो ज्यादा सक्रिय नहीं है, और ये हमारे लिए एक चिंता की बात है कि आज लोगों के दिमाग में, आम लोगों के दिमाग में, आम जनता के दिमाग में, और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस का एक बड़ा तबका इस समझ से ग्रसित है, जहां मुसलमानों को डेमोनाइज किया जाता है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, गाय का मामला हो, और अभी तो नया उनको मुसलमान व्यापारियों को बायकॉट करने का मामला हो, ये समाज के लिए उचित नहीं है। और ये जो पूरी यंत्रणा नफरत की बनाई गई है, इसके पीछे कई लोगों ने
सालों साल दशकों दशक लोगों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में इस प्रकार की नफरत की बात को घूर अंदर डाला है, उसके आधार पे नफरत होती है, गलत धारणाएं पहले पैदा की जाती हैं, गलत धारणाओं के आधार पे नफरत, और नफरत के आधार पे ये हमारी एक तरफ तो हिंसा करवाई जाती है और दूसरी तरफ न्याय व्यवस्था के पहले, कोर्ट्स के पहले जो प्रक्रिया होती है उसमें इस प्रकार की चीजें हो रही है। मुझे लगता है आज जो नफरत की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जो शांति की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार से यातना नहीं देनी चाहिए। उम्मीद तो ये होना चाहिए कि हम एक अच्छे लोकतंत्र के रूप में रहें और अच्छे लोकतंत्र के रूप में रहकर इस प्रकार की चीजों से उभर कर जो अपराधी है उसको सजा, और जो जिसने गुनाह नहीं किया उस पर इस प्रकार से प्रताड़ना, उसको इस प्रकार से इनकार्सरेशन, उसको इस प्रकार से तकलीफ देने की बात बंद होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात हमारे प्रशासन में, पुलिस व्यवस्था में, बाकी जगहों पर सामाजिक सोच में आएगी, जहाँ हम प्रेम मोहब्बत से रहें और जिस आधार पे भारत सदियों से मिलजुल से रहता आया है उस धारणाओं को मजबूत करें, ताकि हम समाज के मुख्य मुद्दों पर ध्यान देकर समाज के विकास की बात कर सकें। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।